एकता कपूर के बारे में उनकी जो जो प्रेजेंटेशन उनकी जो उनकी सीरीज रहती है उसमें सेक्स के बारे में आपकी क्या राय है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें अपनी राय और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्टबॉलॉजी एकता कपूर की थ्रिलर वेब सीरीज हो और उसमें सेक्स बहुत ज्यादा होता है, हम सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा सेक्स हॉट सीन्स उसमें रहते हैं और उसमें कभी कभार इतना रहता है कि सेक्स ही सेक्स हावी रहता है और कंटेंट नहीं होता है। तो आज आर्टबॉलॉजी में और जियो सिनेमा में रिलीज हुई है इनकी ताजा तरीन पेशकश बेकाबू। क्या है बेकाबू? बेकाबू में क्या केवल सेक्स ही सेक्स है या उसके साथ कोई अच्छा कंटेंट भी है, ये सवाल हमारे मन में सबसे पहले उठता है। तो मैं बता दूं बेकाबू में सेक्स सीन्स तो जैसे हमेशा रहते हैं, युवा दर्शकों को लेकर बनाए जाते हैं या जो भी इस जॉनर को पसंद करते हो उनके लिए एकता कपूर उनको कभी इस चीज में निराश नहीं करती हैं। साथ ही साथ इस बार सरप्राइजिंगली कंटेंट में भी वो निराश नहीं करती हैं और कंटेंट अपेक्षाओं पे खरा उतरता है और बहुत ही उम्दा कंटेंट है। मैं आपको बता दूं कि नवनील चक्रवर्ती की ब्लैक सूट्स यू करके एक नॉवल आई थी उस पर बेस्ड है ये बेकाबू जो कि एक थ्रिलर है और साथ ही साथ जैसे जैसे कहानी बढ़ती है उसमें कई एंगल हमको देखने को मिलते हैं और इसका क्लाइमेक्स बहुत ही शानदार निकला है। कहानी की शुरुआत में ऐसी होती है कि एक बहुत ही मशहूर राइटर रहता है जो कि एरोटिक राइटर रहता है। एरोटिक राइटर से मतलब है कि अंग्रेजी का मस्तराम जिसमें केवल सेक्स सेक्स की बहुत ज्यादा वो रहती है भरमार और हम उसको अंग्रेजी का मस्तराम बोल सकते हैं। साथ ही साथ हम एकता कपूर को वेब सीरीज का मस्तराम बोल सकते हैं क्योंकि ये सारी कहानियां काम उत्तेजनाओं से भरपूर रहती है और ये मुझे इस बार कई बार डाउट भी होता है कि एकता कपूर की ये सारी जो सीरीज रहती है वेब सीरीज रहती है वो युवा दर्शक जो रहते हैं खासकर जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता उनको अपना हाथ जगन्नाथ के लिए भी फोर्स करती है या प्रेरित करती है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक बहुत ही मशहूर एरोटिक राइटर रहता है जिसकी एक अच्छी फियांसी रहती है और साथ ही साथ उसकी अच्छी टीम भी रहती है, उसकी कॉर्पोरेटिव टीम रहती है जिसमें पब्लिशर और उसका एक असिस्टेंट रहता है और वो एक अच्छी स्मूथ लाइफ जी रहा होता है, लैविशिंग लाइफ जी रहा होता है। तभी उसकी लाइफ में एक मिस्टीरियस सी गर्ल रहती है, वो उसका पीछा करती है और वो उससे मिलती है और उसके बाद उसकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आता है, उसकी लाइफ पूरी तरह से उलट जाती है और वो लड़की उसकी लाइफ में बिल्कुल नाक में दम करके रख देती है। आपने हिट स्टोरी मूवीज देखी होंगी जो कि एक एरोटिक सीरीज रहती है मूवियों की और उसमें भी रिवेंज एक प्लॉट मेन प्लॉट रहता है और उसी तरह का कुछ रिवेंज का प्लॉट इस वेब सीरीज का भी है बेकाबू का और कहानी दर कहानी ये एक से एक नए कॉर्ड लाती है। कई बार दर्शकों को लगता है कि जो भी हो रहा है वो उसमें क्या ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी कि भूत प्रेत भी है क्या, या जो मुख्य किरदार निभा रहे हैं जो मेन राइटर का किरदार रहता है जिसका किरदार राजीव सिद्धार्थ ने निभाया है क्या वो एक मानसिक बीमारी के चलते ये सब सारी चीज जो घटनाएं देख रहा है क्या वो एक मानसिक बीमारी है। दर्शक आखिरी तक बंधा रहता है, कहानी बहुत ही अच्छी तरह से गढ़ी गई है और सेक्स तो इसमें भरपूर मात्रा में है ही है जो कि हम अपेक्षा रखते हैं एकता कपूर की वेब सीरीज से। तो कुल मिलाकर बेकाबू एक अच्छी कहानी है जो कि एक रिवेंज ड्रामा हम जिसको बोल सकते हैं वो है और उसमें दर्शकों को कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेंगे। अभिनय की बात करें तो राजीव सिद्धार्थ जो कि बहुत कुछ सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह भी दिखते हैं उनका काम अच्छा है, वो इसके मुख्य किरदार में राइटर की भूमिका में है और उन्होंने अपने किरदार के सारे शेड्सों को बखूबी निभाया है। इसके बाद उनका साथ जो दिया है प्रिया बनर्जी की भी बहुत ज्यादा उनके एरोटिक सीन्स हैं और वो एक बहुत मिस्टीरियस गर्ल जो बन के आती है उनका किरदार उन्होंने निभाया है और उन्होंने अपने काम जो डिमांड थी ग्लैमर की सेक्स की उसमें के साथ साथ अभिनय भी अच्छा किया है और ये दोनों डिमांडों को भी पूरा किया है। इसके अलावा मधु स्नेहा का किरदार भी बहुत शानदार उन्होंने अपना निभाया है जो उनको भूमिका दी गई है। जितेंद्र श्रीवास्तव को कॉमेडी के लिए थोड़ा रखा गया था जो सीमित है और लेकिन जितनी भी है उन्होंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। श्याम मुखर्जी और आनंदिता सिंह का भी काम उन्होंने अपने जो भी काम दिया था उसको उसके साथ उन्होंने न्याय किया था। बात करें निर्देशन की तो अक्षय चौबे को एक बहुत ही अच्छा स्कोप मिला था डायरेक्शन का क्योंकि कहानी बहुत दिलचस्प थी और एक बहुत ही मतलब जानदार बजट भी उनको मिला था और उसके लिए उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट थी निर्देशन की और किरदारों से काम लेने की साथ ही साथ जो प्रस्तुतिकरण था इन तीनों मापदंडों में खरे उतरे हैं। तो इस वेब सीरीज को दूंगा मैं 5 में से 3 स्टार।
आर्ट बालाजी की ये वेब सीरीज है, इसमें एडल्ट सीन, सेक्स और गालियां भी हैं, लेकिन इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं इसको 5 में से 3 स्टार दे रहा हूँ। इसको आप आर्ट बालाजी के ऐप में और जियो सिनेमा में देख सकते हैं। आपको ये रिव्यू कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय हमें जरूर दें। आज के लिए इतना ही, अगले फिर किसी रिव्यू में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।